नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर डीप वाटर के क्वेश्चंस और आंसर्स को हल करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा हो। अगर आपने इस चैप्टर का अध्ययन बहुत बारीकी से नहीं किया है और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं, तो जैसा कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है, डीप वाटर डिज़ायर पॉइंट एग्जैक्टली ऐसा ही, यानी सेम टू सेम यही चीज़ आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेनी है और आपको हमारे चैनल से पढ़ाया गया ये चैप्टर मिल जाएगा। और मेरा प्रॉमिस है कि वहाँ पर वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, थर्ड लेसन है डीप वाटर। पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। अब अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि वो पूल कहाँ पर था और क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती थी। तो देखिए, यहाँ पे आंसर कह रहे हैं कि द पूल वाज एट YMCA इन याकिमा। इट ऑफर्ड द ऑथर टू लर्न स्विमिंग बट मदर कंटिन्यूली वॉर्न्ड हिम अगेंस्ट इट। देखिए, हमारे क्वेश्चंस के जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि जो बुक है उसी के 99% तक के वर्ड हम यूज करें, यानी ज़्यादातर हम बुक के ही वर्ड्स को यूज करते हैं। तो अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है तो क्वेश्चन को देखते ही, यानी क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो बुक से एक बार चैप्टर को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लेना ताकि ये चीज़ें आप समझ सको। और नहीं पढ़े हैं तो वही चीज़ कीजिए, डिज़ायर पॉइंट लिख कर, यानी डीप वाटर लिख कर डिज़ायर पॉइंट जोड़ के आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, तो आपको हमारे चैनल से पढ़ाया हुआ लेक्चर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बार बार हिंदी बताने का मतलब है बेटा कि लंबा हो जाएगा लेक्चर, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा विशेष। चलिए, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, यानी उनके दिल में, यानी डगलस के दिल में कौन सा डर बैठ गया था, हाउ, कैसे। तो डगलस हैड टेरर ऑफ डीप वाटर When author was only 4 years old, कॉमा द वेव ऑफ द सी नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा लाइन ये आपका बुक से लिया है। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसका आंसर बताने की ज़रूरत पढ़नी ही नहीं चाहिए। चैप्टर को पढ़ो, आंसर अपने आप आएगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे को कहीं पर भी फोकस ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो स्वेप्ट ओवर हिम, ही वॉज बरीड इन वाटर, दस ही वॉज सीज्ड बाई फियर ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, वाट डिड द बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय डू एट द पूल, वाई। यानी उस बड़े लड़के ने तालाब पर क्या किया, वाई, क्यों। तो द बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय पिक्ड द ऑथर अप एंड टोस्ड हिम इन टू द डीप वाटर। यानी उस बड़े लड़के ने उठाकर लेखक को डायरेक्ट पानी में फेंक दिया। He did so only for joke and entertainment. ऐसा उसने केवल मस्ती मजाक के लिए किया था। तो कहते कि how deep was the pool? What was there inside the water? और ये प्रश्न पूछा गया है 2022 में। तो the pool was 9 feet deep. There was nothing inside the water. Full stop. Everywhere was water. Only water. यहाँ पे T-H-E-R-E, ठीक है, there वाला। पांचवा क्वेश्चन, what happened to the legs ऑफ डगलस इन साइड द पूल, यानी तालाब के अंदर डगलस के पैरों के साथ क्या हुआ। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए उन्होंने कैसे कोशिश की। वेन द ऑथर ट्राइड टू ब्रिंग हीज लेग्स अप, कॉमा दे हंग एज डेड वेट्स, कॉमा पैरालाइज एंड रिजिड, फुल स्टॉप। ही स्ट्रक एट द वॉटर एज ही वेंट डाउन, कॉमा एक्सपेंडिंग His strength, as one in a nightmare, fights an irresistible force. In this, he tried. यहाँ पे होना चाहिए In this way, he tried to overcome that situation. इसमें आपको वे जोड़ लेना है, ठीक है? In this way, W-A-Y. इस तरह से। छठा प्रश्न, What terror seized Douglas? What was its effect on him? यानी कौन सा टेरर था जिसने डगलस को सीज कर दिया था, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि किस आतंक ने डगलस को जकड़ लिया था। What was its
इफेक्ट ऑन हिम और इसका उन पर क्या प्रभाव हुआ? तो स्टार्टर ऑफ वाटर सीज द ऑथर फुल स्टॉप ही वॉज पैरालाइज अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विद द फियर फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, यानी अपना जीवन बचाने के लिए डगलस ने पानी के अंदर क्या किया। बहुत से बच्चों के मन में ये भी प्रश्न होता है कि इंग्लिश में अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, तो ध्यान दीजिएगा इसका सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि या तो आपके टीचर ने जो क्वेश्चन आंसर लिखाए हैं आप वहाँ से क्वेश्चंस के आंसर याद करें, सेंट्रल आइडिया याद करें, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर याद करें। और ऐसा करने पर क्या होता है कि जो टीचर होते हैं यानी जो बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं, जब आप अपने स्कूल के अध्यापक के द्वारा लिखाए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं तो बोर्ड में कॉपी चेक करने वाले टीचर को लगता है कि बच्चे ने ये क्वेश्चंस का आंसर खुद से बनाकर लिखा है। जबकि आप किसी गाइड का सहारा लेकर वही क्वेश्चन करते हैं तो टीचर समझ जाते हैं कि ये गाइड की लैंग्वेज है, यानी बच्चा रट्टा मारकर आया है और रट्टा मारकर इसने आंसर लिख दिया है। वहाँ पर अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपको 4, 5, 6 इतने से ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन अगर आपके टीचर की लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं ना तो वो 8 नंबर का क्वेश्चन अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना तो 8 में से 8 भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि या तो आप अपने टीचर के नोट्स ले लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आंसर हल कीजिए और वहीं से क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, या फिर आपको ये चैनल से मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर, यहाँ से आप अपने नोट्स बनाइए। और अगर आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है तो नीचे अभी शेयर का नंबर आ रहा है, आप उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो। और उस पीडीएफ से चाहे आपके पास किसी भी प्रकाशन की गाइड हो, चाहे आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, या फिर चाहे आपने किसी भी प्रकाशन के अनसाल्व पेपर खरीद रखे हों, आपको उस पीडीएफ से सभी क्वेश्चन आंसर, सभी सेंट्रल आइडिया, सभी स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ से जब आप याद करोगे तो भी आप एक तरह से चैनल से पढ़ रहे हो, यानी हमारे क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, तो भी आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हो। या फिर आप अपने टीचर जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर याद करो, वहाँ से आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हो। क्वेश्चंस कहीं से भी ढूंढ के लाओ, लेकिन उनके आंसर या तो आप हमारे चैनल से लिखो या फिर आपके टीचर के लिखो। क्वेश्चंस कहीं से भी आप ला रहे हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आपको इस पीडीएफ में, इस वीडियो लेक्चर में सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ढूंढो, ढूंढ के लाओ, लेकिन उसके आंसर यहीं से लिखो। ठीक है, इस बारे में आप चाहें तो अपने टीचर से भी चर्चा कर सकते हैं, वो भी आपको यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर नोट्स लिखने का टाइम नहीं है तो अभी सर से कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो आप। नोट्स लिखने का टाइम है तो आप वीडियो से देखकर नोट्स लिख सकते हो, या फिर आपके टीचर ने नोट्स लिखवा रखे हैं तो आप उस नोट्स से क्वेश्चंस के आंसर याद करो। इस तरीके से ज़्यादा अंक ला सकते हो। चलो, तो इनसाइड द वाटर कॉमा द ऑथर मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर कॉमा मेक अ बिग जम्प कॉमा कम टू द सर्फेस कॉमा लाई फ्लैट ऑन इट कॉमा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल फुल स्टॉप दस डगलस ट्राइड टू सेव हीज लाइफ इन साइड द वाटर फुल स्टॉप हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज, यानी सारे एफर्ट्स असफल कैसे हो गए, वाट हैपेंड देन, और फिर क्या हुआ। तो वेन डगलस ट्राइड ऑल हीज वेज टू सेव हीज लाइफ कॉमा हीज ऑल एफर्ट्स सीज्ड, तो उनके सारे एफर्ट्स खत्म हो गए। His all strategies failed every time. His legs also felt limp and a blackness. फिर उसके बाद blackness swept over his brain. What was Douglas's condition after getting escaped from the pool? यानी पूल से निकलने के बाद, यहाँ से बचकर निकलने के बाद Douglas की कंडीशन क्या थी, क्या स्थिति थी। तो after getting escaped from the pool, comma, the author was laying on his stomach beside the pool. वॉमिटिंग, यानी तालाब के किनारे लेटकर उल्टियां कर रहे थे। सब कुछ चैप्टर का ही है तो समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं समझता हूँ। ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग ही शूक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हीज बेड। ठीक है, यहाँ पे ट्रेम्बलिंग नहीं, ट्रेम्बलिंग होना चाहिए। ठीक है, मैंने काट के लिख दिया है, ऐसा हो जाता है कभी कभी क्वेश्चंस के आंसर लिखते टाइम, कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। तो अगर कोई गलती मुझसे मिस हो जाए, तो आपकी नज़र में अगर आए तो आप भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट से देख ले, नहीं तो आप पीडीएफ में
देख करके लिख सकते हैं, क्योंकि पीडीएम पे कोई गलती नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखने के बाद एक बार भी चेक नहीं किया जाता, लेकिन पीडीएफ को बनाने के बाद उसे 3 बार चेक किया गया, तो उसमें गलती नहीं है। चलिए, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, व्हाट डिड ही वांट देन। तो कुछ फ्यू ईयर्स लेटर यानी कुछ सालों के बाद डगलस को क्या एहसास होता है, व्हाट डिड ही वांट देन, और उसके बाद वो क्या चाहते हैं। तो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन विलियम डगलस कम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स कॉमा ही वांटेड टू गेट इनटू देम फुल स्टॉप। अगला है, व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड द ऑथर फुल स्टॉप, अरोज वा रॉप, रॉप मतलब रस्सी, वाज अटैच्ड टू द बेल्ट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल फुल स्टॉप, दस द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड डगलस। अगला क्वेश्चन, वाज डगलस सेटिस्फाई आफ्टर ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के बाद क्या डगलस सेटिस्फाई हो गए, इफ नो, अगर नहीं वाई क्यों। तो कहते हैं नो कॉमा डगलस वाज नॉट सेटिस्फाई आफ्टर ट्रेनिंग बिकॉज ही स्टिल वॉन्डर इफ ही वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक डैश रहेगा, टेरर स्ट्राइकन ये, ठीक है। तो टेरर स्ट्राइकन यानी जब वो अलोन इन द पूल यानी तालाब में जब वो अकेले होंगे, पूल में जब वो अकेले होंगे तो वो फिर से डर जाएंगे, इस बात से वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे। तो अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है कि जब वो सेटिस्फाई नहीं हुए, कि अब तैरने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया कि वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रिसाइडुअल डाउट्स, यानी अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए डगलस कहाँ गए, व्हाट डिड ही डू फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने क्या किया। तो क्लियर हिज रिसाइडुअल डाउट्स कॉमा डगलस वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मिडोज कॉमा अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडो बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, ही स्ट्राइप्ड कॉमा डाइव्ड इन टू द लेक कॉमा एंड स्वैम अक्रॉस टू देयर दी शोर एंड बैक। यहाँ पे होना चाहिए स्वैम अक्रॉस टू द के बाद अदर, OTHER अदर शोर एंड बैक, ठीक है। चलिए, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस कैसा था, अ डीप मीनिंग फॉर डगलस, तो डगलस के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा द एक्सपीरियंस कॉमा अ डीप मीनिंग फॉर डगलस वॉज दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ। यहाँ पे फियर होना चाहिए, फेयर लिखा है, फियर होना चाहिए, ठीक है। इज फी आर या फी ए आर, फियर इट सेल्फ फुल स्टॉप, ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। आगे चलने से पहले आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ा है तो आपको ये जितने भी आंसर मैंने बताए हैं इन सब के उत्तर आपको पहले से ही समझ में आ रहे थे, भले ही मैंने उनकी हिंदी बताई या फिर नहीं बताई। और अगर ना आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है तो आप इस चैप्टर के आंसर याद क्या रख पाओगे, भूल जाओगे, ठीक है। तो चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो और फिर आंसर पर आओ। पहला स्टेप चैप्टर को पढ़ना है, सेकंड स्टेप उसके आंसर को हल करना है। मैंने एक एक आंसर का रट्टा बता दी भी दिया, हिंदी भी बता भी दी, तो भी आप भूल जाओगे क्योंकि आप इसको याद नहीं रख सकते, लेकिन आपने चैप्टर को अगर एक बार अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप चैप्टर की लैंग्वेज को हमेशा याद रखते हो कि चैप्टर में क्या कहा गया था, ठीक है। आंसर तो छोटा सा भाग होता है बेटा, ठीक है, एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा टुकड़ा पूरे चैप्टर का। तो जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे यानी समुद्र को ही पढ़ लिया तो कुएं से डर नहीं लगेगा, लेकिन कुएं को पढ़ के अगर समुद्र में कूदने जाओगे तो पक्का फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको ये काम करना है कि चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है, ताकि ये जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिखे हैं ये सब चैप्टर से लिखे गए हैं, ताकि आपको ये एक ही बार में याद हो जाए। आप एक बार देखो आपको याद हो जाएगा, हाँ यही बात तो कही गई है, बस बात खत्म। आगे चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। तो व्हाट वॉज द फियर ऑफ डगलस, यानी डगलस का डर क्या था, हाउ डिड इट कम इन लाइफ ऑफ डगलस, और ये डगलस के लाइफ में कैसे आया। तो कहते हैं द फियर ऑफ डगलस वॉज द डीप वाटर फुल स्टॉप, वेन ही वॉज ओनली 3 or 4 years ओल्ड हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, द ऑथर वॉज स्टैंडिंग इन सर्फ, ही वॉज
होल्डिंग हिज फादर, वाज है ये, वॉल लिखा है, यहाँ पे वाज होना चाहिए, बहुत तेजी से लिखा गया है तो इसलिए दिक्कत हो रही है। चलिए, वॉज होल्डिंग हिज फादर फुल स्टॉप, द वेव्स ऑफ द सी नॉक्ड हिम फुल स्टॉप, ही वॉज बरीड इन वाटर फुल स्टॉप, हीज ब्रीथ वॉज गोन फुल स्टॉप, ही वॉज फ्राइटेंड फुल स्टॉप, देर वॉज टेरर इन हीज हर्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स फुल स्टॉप, सेकेंड टाइम वेन अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय टूस्ड हिम इन टू डीप वाटर ऑफ पूल जस्ट फॉर फन, इन दिस वे ही वॉज सीज्ड विथ फियर ऑफ डीप वाटर। अगला, वाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल फुल स्टॉप, यानी पूल पर डगलस के साथ क्या हुआ, वाट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन हीज लाइफ, और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, 2022 में पूछा गया है। तो ऑथर्स इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट चाइल्डिश फियर फुल स्टॉप, यह है रिवाइव्ड RE VIVED अनप्लीजेंट चाइल्डिश फियर, इंस्पाइट इट दो ऑथर गैदर्ड कॉन्फिडेंस, ही पैडल्ड विथ हिज न्यू वाटर विंग्स कॉमा वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई अपेइंग देम, वन डे अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय थ्रू हिम इन टू अ डीप वाटर ऑफ पूल द ऑथर स्वालोड वाटर, ही वॉज फ्राइटेंडेड, ही थॉट अ प्लान टू कम आउट ऑफ वाटर बट हीज प्लान डिड नॉट वर्क होना चाहिए यहाँ पे, तो डिड नॉट वर्क या फिर डिडंट वर्क, दिस फियर ऑफ डीप वाटर हैड अफेक्टेड द ऑथर्स लाइफ, ऑथर लिखा उसके बाद apostrophe yes, तो ऑथर्स लाइफ वेरी मच, तो द ऑथर वॉज मच फियर्ड ऑफ वाटर दैट ही हैड लॉस्ट द जॉय ऑफ कोचिंग कैचिंग फिश एंड रॉइंग बोट फुल स्टॉप, एट लास्ट ही मेड द फर्म डिटर्मिनेशन टू लर्न स्विमिंग विथ सपोर्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्टर AN उसके बाद इंस्ट्रक्टर एन इंस्ट्रक्टर एंड बिकेम सक्सेसफुल इन हीज गोल। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, यानी उन्होंने जो जो संघर्ष किया वो सब बताइए आप पूल पर, यानी पूल पर डगलस ने क्या स्ट्रगल किया, कैसा संघर्ष किया वो डिस्क्राइब कीजिए, उसका वर्णन कीजिए, वाट स्ट्रैटेजी डिड ही मेक टू सेव हीज लाइफ, और अपना जीवन बचाने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो द ऑथर हैड एन एवर्शन फुल स्टॉप, ही हैड अ ग्रेट फियर फ्रॉम डीप वाटर सिंस हीज चाइल्डहुड कॉमा व्हेन ही वॉज हार्डली 3 or 4 ईयर ओल्ड, ही स्ट्रगल्ड वेरी मच टू कम आउट ऑफ ग्रेट फियर ऑफ फियर फ्रॉम वाटर, ही वॉन्टेड टू बी अ गुड स्विमर, सो ही मेड अ प्लान टू सेव हीज लाइफ फ्रॉम द फियर ऑफ वाटर, हीज स्ट्रैटेजी वॉज दैट वेन हीज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जम्प टू कम टू सरफेस लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल्ड पैडल टू द एज ऑफ पूल, इन दिस वे द ऑथर हैड अडॉप्टेड मैनी वेज टू लर्न एंड सेव हीज लाइफ फ्रॉम द डीप वाटर। अगला क्वेश्चन है कि वाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैंडीकैप मतलब असुविधा या फिर बाधा, तो ऐसी कौन सी असुविधा थी जो डगलस के साथ लंबे समय तक रही, या फिर लंबे समय तक डगलस को कौन सी असुविधा रही, वाट डिड ही डू टू रिसॉल्व फ्रॉम हीज लाइफ, और इसको हल करने के लिए अपने जीवन से दूर करने के लिए डगलस ने क्या किया, द टेरर दैट हैड सीज द ऑथर इन द पूल वुड कम बैक फुल स्टॉप, इट वुड टेक पोसेशन ऑफ हिम कम्प्लीटली दिस हीज लेग्स वुड बी कैम बिकम होना चाहिए BECOME तो बिकम पैरालाइज्ड IC फुल स्टॉप, हॉरर वुड ग्रैब हीज हर्ट फुल स्टॉप, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ हिम एज द ईयर्स रोल्ड बाई फुल स्टॉप, ही यूज एवरी वे टू रिसॉल्व फ्रॉम हीज लाइफ टू ओवरकम हीज फियर ऑफ वाटर कॉमा ही लर्नड स्विमिंग इन सुपरविजन ऑफ अ इंस्ट्रक्टर फुल स्टॉप, बट ही हैड रिसाइडुअल डाउट्स फॉर रिमूविंग द रिसाइडुअल डाउट्स ही वेंट टू मैनी लेक्स डक्स एंड आईलैंड्स एट डिफरेंट locations he crossed whole lakes swimming miles of distance, he went to meadow of glaciers and achieved a lot of confidence and experience full stop, he put his face under water under and
एंड लाफ्ड एंड सैड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? द टेरर फ्लेड एंड ही स्वैम ऑन फुल स्टॉप। एट लास्ट द ऑथर बिकेम अ स्किल स्विमर। अगला, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी पानी के डर से ओवरकम, बाहर निकलने के लिए डगलस ने क्या डिसाइड किया? हाउ लॉन्ग इट टुक डगलस टू बिकम अ स्विमर, और स्विमर बनने में डगलस को कितना समय लगा? ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो द ऑथर वॉज मच अफ्रेड ऑफ डीप वाटर, ही हैड लॉस्ट हिज ऑल जॉय एंड प्लीजर ऑफ फिशिंग कॉमा कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग। He wanted to overcome his fear because the fear of deep water had made his life worse than hell. He appointed an instructor so that he might teach him how to swim. The instructor held the author and had him kick with his legs for weeks. यहाँ पे होना चाहिए, अजीब सा, थोड़ा सा तेजी से लिखते हैं ना तो दिक्कत होती है बेटा, यहाँ पे अच्छे ठीक है, द लग रहा है। तो ही डिड जस्ट दैट एट फर्स्ट हिट कॉमा लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली ही कुड कमांड देम एंड दस पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर बिल्ट द ऑथर अ स्विमर। टू रिमूव हिज रिसाइडुअल डाउट ही क्रॉस्ड द होल लेक मैनी टाइम्स। एट लास्ट ही गॉट विक्ट्री ओवर हिज फियर ऑफ वाटर फुल स्टॉप। It took him about 11 to 12 months to become a confident swimmer. तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं और इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा तेज़ी से लिखा गया तो वर्ड्स में छोटी मोटी गलतियाँ हो गई, मैंने बता दी हैं आपको, लेकिन अगर आपकी नज़र में कोई गलती आ जाए जो मैंने ना ध्यान दी हो तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे उसे समझ सकें, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी लिखने का समय नहीं है, आप वीडियो देखकर नहीं लिख सकते, तो आप नीचे आ रहे अभी सर के नंबर से पीडीएफ ले सकते हो और पीडीएफ से अपने क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूँगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।